गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज का डिवोशन का जो विषय है वो है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है। दानियल की पुस्तक बहुत ही रोमांचक घटनाओं से भरी हुई है, जैसे कि आग की भट्टी, शेर की मान, स्वप्न, परमेश्वर का छुटकारा और भी बहुत सारे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में एक विश्वासी व्यक्ति निश्चय के साथ कह सकता है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, जो हमें हर परिस्थिति में से बचाता भी है और हमारे विरोधियों का मुंह भी बंद करते हैं। दानियल का तीसरा अध्याय आज हम देखेंगे। इस अध्याय से कुछ वचनों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से छुटकारा किया, किस प्रकार से अपना महान अनुग्रह भी दिखाया और उस राजा का मुंह किस प्रकार से उसने बंद किया। दानियल का तीसरा अध्याय वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है कि, पढ़ता हूं मैं आपके लिए इन वचनों को। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके विश्वास के कारण लोगों ने आपकी चुगली की हो, आपकी निंदा की हो, आप पर दोष लगाया हो? हाँ, हुआ होगा। मेरे साथ हुआ था। जब मेरे जीवन में एक परिस्थिति चल रही थी तब कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि तूने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तूने अपने कुल देवताओं को छोड़ दिया है और उस पराए देवताओं की आराधना करने लगा है, इसके लिए तेरे जीवन में परिस्थिति आई है। बट मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए हैं और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं, विश्वास के कारण कभी आपको धमकी मिली है या सताव आया है? आया होगा। दानियल का तीसरा अध्याय वचन 15 में इस प्रकार से लिखा है, फिर ऐसा कौन देवता है, राजा कहता है उन तीन लड़कों से, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। यानी राजा की सोच इस प्रकार से है कि तुम्हारा परमेश्वर मेरे हाथ से तुम्हें बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, वो तुमको नहीं बचा सकता। विश्वास के कारण इनको धमकी मिली है। हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग या हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि तू ये सब बंद कर दे, नहीं तो हमारे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं है, हम तुझे निकाल देंगे, तेरे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। बट हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। और आगे जाके हम वचनों में देखते हैं कि उन तीनों लड़कों को आग की भट्टी में डाला गया। और दानियल का तीसरा अध्याय वचन 25 में राजा क्या देखता है, उस वचन इन वचनों को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। भट्टी में कितने लोग डाले गए थे? तीन लोग। फिर चौथा कौन है? ये चौथा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो उन तीन लड़कों के साथ में वहां पर है, उनकी रक्षा कर रहा है। और आगे जाके आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो राजा कहता है कि उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, उनके सर के बाल भी नहीं जले। और ये एक हमारे लिए भरोसे की बात है, एक विश्वास की बात है कि जब हमारे जीवन में परीक्षा, सताव, निंदा, धमकियां, ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में आती है या इन सारी चीजों जैसी आग की भट्टी में जब हम डाले जाते हैं, तब उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे संग है, वो हमें बचाते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। राजा ने कहा कि ऐसा कौन है जो तुमको मेरे हाथ से बचा सकता है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लड़कों को बचाया और राजा का एक प्रकार से मुंह बंद कर दिया। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो तीन लड़कों ने एक ही निर्णय लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरे परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, जो हमें बचा सकता भी है और हमें इसमें से छुड़ा भी सकता है, तेरे हाथ से भी बचा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे देवता की आराधना नहीं करें। क्लेश आते हैं, सताव आते हैं, परिस्थिति आती है और वो सारी चीजें हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमारे परमेश्वर के तुल्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो हमें हर परिस्थिति में बचाते भी हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, और हमारे विरोधियों का मुंह वो बंद कर देते हैं, और हमारे जीवन से वो अपनी महिमा भी लेते हैं। इस सुबह के समय प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस।